नमस्कार, सियासत के साथ मैं शेखर त्रिवेदी। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक की है, बैठक के बाद वो देश को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर इस समय आ रही है, कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद देश को संबोधित करेंगे। तीनों सेना अध्यक्षों से भी उनकी मुलाकात हुई है। बड़ी खबर इस समय, तीनों सेनाध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में देश को संबोधित करेंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद देश को संबोधित करने वाले हैं। बड़ी खबर इस समय, प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद देश को संबोधित करेंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से लगातार स्थिति सीमा पर तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान 100 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन शहीद भी हुए हैं हमारे जवान। इसके बाद जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं सीमा पर, उसे लेकर ये एक अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक की और एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके बाद कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री ने की है और थोड़ी देर में वो देश को संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा कम ही होता है कि एक मौके पर सेना के तीनों विंग कमांडर्स को बुलाया जाए, तीनों अध्यक्ष एक साथ पहुंचें। और जब भी इस तरीके की स्थिति बनती है, इससे अंदाज़ा यही लगता है कि स्थितियां जिस तरह से बनी हुई हैं उसमें न सिर्फ तनाव है, बल्कि उन स्थितियों से आगे जाकर एक रास्ता निकालने की भी कोशिश है। कुछ ऐसी ही स्थिति आज दिखाई पड़ी है, जब प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ मुलाकात की है। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट की बैठक ली है और सूचना है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन देंगे। मौजूदा सरकार लगातार इस बात पर निगाह बनाए हुए है, लगातार इस बात को लेकर आगे बढ़ती रही कि जिस तरीके से सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, घुसपैठ हो रही है, पहले पठानकोट। आज आप सभी से कुछ विशेष निवेदन करना चाहता हूं। इस वार्ता में कुछ गंभीर विषय, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपसे साझा करूंगा। आपको ध्यान होगा कि जब आपने 2014 मई में हमें जिम्मेदारी सौंपी थी, तब विश्व की अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स के संबंध में यह आम चर्चा थी कि ब्रिक्स में जो आई अक्षर है, जो कि आई अक्षर इंडिया से जुड़ा हुआ है, लोग कहते थे कि ब्रिक्स में जो आई है वो लुढ़क रहा है।
लगातार दो साल के देशव्यापी अकाल के बावजूद भी पिछले ढाई वर्षों में आप सब 125 करोड़ देशवासियों के सहयोग से आज भारत ने ग्लोबल इकोनॉमी में एक ब्राइट स्पॉट अर्थात चमकता सितारा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसा नहीं है कि यह दावा हम कर रहे हैं, लेकिन यह आवाज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक से गूंज रही है। बहनों भाइयों, विकास की इस दौड़ में हमारा मूल मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। यह सरकार गरीबों को समर्पित है और समर्पित रहेगी। गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई का मुख्य शस्त्र गरीबों का देश की अर्थव्यवस्था एवं संपन्नता में सक्रिय भागीदारी यानी गरीबों का सशक्तिकरण, गरीबों का एम्पावरमेंट। इस प्रयास की झलक आप लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन से जन सुरक्षा योजना, आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, दलित आदिवासी और महिला उद्यमों के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना, गरीबों के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसानों की आमदनी सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उनको अपने खेतों से ही सही उपज पाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना और सही उपज का सही दाम पाने के लिए ई नाम अर्थात राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, इन सब में ये साफ नजर आता है कि सरकार गांव गरीब किसान को समर्पित है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दशकों में हम ये अनुभव कर रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार और काला धन, इन बीमारियों ने अपनी जड़ें जमा ली है और देश से गरीबी हटाने में ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये गोरख धंधे सबसे बड़ी बाधा है। एक तरफ तो विश्व में हम आर्थिक गति में तेजी से बढ़ने वाले देशों में सबसे आगे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की ग्लोबल रैंकिंग में दो साल पहले भारत करीब करीब 100वें में अनेक कदम उठाए, ढेर सारे कदम उठाने के बावजूद भी अब हम 76वें नंबर पर पहुंच पाए हैं। यह बात को दर्शाता का है कि भ्रष्टाचार और काले धन का जाल कितने व्यापक रूप में देश में बिछा हुआ है। भ्रष्टाचार की बीमारी को कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण फैला रखा है। गरीबों के हक को नजरअंदाज कर ये खुद फलते फूलते रहे हैं। कुछ लोगों ने पद का दुरुपयोग करते हुए इसका भरपूर फायदा उठाया, दूसरी तरफ ईमानदार लोगों ने इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। देश के करोड़ों नागरिकों ने
ईमानदारी को जी करके दिखाया है। हम प्रायः यह सुनते हैं कि गरीब एक ऑटो ड्राइवर अपनी गाड़ी में छूट गई सोने के आभूषण वाले बैग को उसके असली मालिक को कैसे ढूंढता है और लौटाता है। कई बार हम सुनते हैं कि कोई टैक्सी ड्राइवर यात्रियों का कुछ सामान अगर छूट जाता है, मोबाइल फोन रह जाता है, तो अपने खर्चे से उनको ढूंढने जाता है और पहुंचा देता है। अरे सब्जी बेचने वाला भी, सामान्य दुकानदार भी अगर ग्राहक से गलती से ज्यादा पैसे ले लिए तो उसको भी बुला करके लौटा देता है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बात का ये सबूत है कि हिंदुस्तान का सामान्य से सामान्य नागरिक ईमानदार है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, हर देश के विकास के इतिहास में ऐसे क्षण आए हैं जब एक शक्तिशाली और निर्णायक कदम की आवश्यकता महसूस की गई। इस देश ने यह वर्षों से महसूस किया है कि भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट और आतंकवाद ऐसे नासूर हैं जो देश को विकास की दौड़ में पीछे धकेलती है। देश को, समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आतंकवाद की भयानक तो कौन नहीं जानता है। कितने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है? सीमा पार के हमारे शत्रु जाली नोटों के जरिए, नकली नोटों के जरिए अपना धंधा भारत में चलाते हैं और यह सालों से चल रहा है। अनेक बार 500 और 1000 रुपये की जाली नोटों का कारोबार इसके करने वाले भी पकड़े गए हैं। लाखों करोड़ों की नोट भी जब्त की गई है। बहनों भाइयों, एक तरफ आतंकवाद और जाली नोटों का जाल देश को तबाह कर रहा है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार और काले धन की चुनौती देश के सामने बनी हुई है। संभालने के तुरंत बाद भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत करते हुए अनेक प्रभावी कदम उठाए, जैसे काले धन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया, विदेशों में जमा काले धन के लिए 2015 में मजबूत कानून बनाने का हमने काम किया, काले धन को विदेशों से वापस लाने के लिए विभिन्न देशों के साथ टैक्स समझौतों में हमने परिवर्तन किया, नए समझौते किए, अमेरिका सहित विभिन्न देशों के साथ सूचना आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का प्रावधान किया, भ्रष्टाचार की बेनामी संपत्ति को रोकने के लिए अगस्त 2016 में एक और मजबूत कानून। इन सारे कानून से एक बहुत बड़े चोर दरवाजे को बंद कर दिया गया। देश में अघोषित आय को पेनल्टी के साथ घोषित करने की योजना में काफी बड़ी मात्रा में अघोषित आय उजागर हुई। मेरे प्यारे देशवासियों, इन सारे प्रयासों से पिछले 2.5 साल में भ्रष्टाचारियों से करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया, ये कम रकम नहीं है, 1.25 लाख करोड़ रुपये का काला धन बाहर लाया गया है। ऐसे करोड़ों भारतवासी जिनके रग रग में ईमानदारी दौड़ती है,
उनका मानना है कि भ्रष्टाचार, काले धन, बेनामी संपत्ति, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। कौन ईमानदार नागरिक ऐसा होगा जिसे अफसरों के घर बिस्तर के नीचे से या जगह जगह बोरियों में करोड़ों रुपयों पाने जाने की खबर से पीड़ा न होती हो। आज देश की मुद्रा व्यवस्था का हाल यह है कि देश में कुल सिक्कों और नोटों की जो मूल्य है उसमें 500 और 1000 रुपया वाले नोटों का हिस्सा लगभग 80 से 90 प्रतिशत तक पहुंच गया है। देश में कैश का अधिक सर्कुलेशन का एक सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार से अर्जित कैश का कारोबार महंगाई पर भी असर पैदा कर रहा है। इसकी मार गरीबों को झेलनी पड़ती है। इसका सीधा प्रभाव गरीब और मध्यम वर्ग की खरीदने की शक्ति पर पड़ता है। आपका भी स्वयं का अनुभव होगा, जब मकान खरीदने जाते होंगे, जमीन खरीदने जाते होंगे, तो आपसे जब सौदा होता होगा तब कहते होंगे कि कुछ धन चेक में लेंगे और ज्यादातर कैश में मांगी जाती होगी। ईमानदार व्यक्ति के लिए कुछ भी खरीदना, एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति को घर भी खरीदना हो तो उसके पास काले धन नहीं है तो मुसीबत हो जाती है। कैश के इस धंधे के कारण मकान, जमीन, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, ऐसे अनेक सेवाओं को, उन वस्तुओं को इन कारणों से उनकी मूल्य में कृत्रिम वृद्धि भी होती है, आर्टिफिशियल इंक्रीज होता है। भ्रष्टाचार से जमा किया गया धन हो या काला धन हो, ये दोनों बेनामी हवाला कारोबार को भी बल देते हैं। और हम जानते हैं हवाला का उपयोग आतंकियों ने हथियार की खरीद फरोख्त में भी किया है। चुनावों में काले धन के प्रभाव की चर्चा ये कोई नई बात नहीं है, वर्षों से हो रही है। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति
मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित हैं और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। इन दिनों में देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर, पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है, अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी धनराशि आप ही की रहेगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये या 1000 रुपये के पुराने नोटों को खाते में डालकर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं। केवल शुरू के दिनों में खाते में से धनराशि निकालने पर प्रतिदिन 10,000 रुपया और प्रति सप्ताह 20,000 रुपये की सीमा तय की गई है। ऐसा नए नोटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस सीमा में आने वाले दिनों में वृद्धि कर दी जाएगी। खाते में जमा करने की सुविधा के साथ साथ एक दूसरी सुविधा भी दी जा रही है। तत्काल आवश्यकता के लिए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को नए एवं मान्य नोट के साथ 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमुख और उप डाकघर, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता कार्ड यानी कि वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि सबूत के रूप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं। प्रारंभ में 10 नवंबर से 24 नवंबर तक 4,000 रुपया तक के पुराने 500 एवं 1,000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। 15 दिनों के बाद यानी 25 नवंबर से 4,000 रुपये की सीमा में वृद्धि कर दी जाएगी। ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवश अगर जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं।
9 नवंबर और कुछ स्थानों में 10 नवंबर को भी एटीएम काम नहीं करेंगे। प्रारंभ में एटीएम से प्रति कार्ड प्रतिदिन निकाली जा सकने वाली राशि की सीमा 2000 रुपया रहेगी, फिर उसे कुछ अवधि के बाद बढ़ाकर 4000 रुपया कर दिया जाएगा। वैसे तो 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट आज रात्रि 12 बजे से कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे, परंतु सामान्य जनजीवन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से हमने इस प्रक्रिया में शुरू के 72 घंटों में यानी कि 72 आवर्स, मतलब कि 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक नागरिकों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की है। जैसे 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में भुगतान के लिए पुराने 500 या 1000 रुपये के नोट स्वीकार किए जाएंगे। इससे वैसे परिवार जिनमें कोई बीमार है उन्हें उपचार में कोई बाधा ना आए, ऐसे सरकारी अस्पतालों में यदि दवाई की दुकान की व्यवस्था है तो डॉक्टर के दिए गए पर्चे पर 500 और 1000 के पुराने नोटों से दवा खरीदने की सुविधा भी 72 घंटे तक उपलब्ध रहेगी। ऐसे ही 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर, सरकारी बसों के टिकट बुकिंग काउंटर और हवाई अड्डों पर एयरलाइंस के जो टिकट बुकिंग काउंटर पर केवल टिकट खरीदने के लिए पुराने नोट अर्थात 500 और 1000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। ऐसा हमने उन परिवारों की जरूरतों को देखते हुए किया है जो इस समय यात्रा कर रहे होंगे। केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित कोऑपरेटिव की दिनचर्या की वस्तुओं की दुकान जैसे केंद्रीय भंडार, सफल और दुग्ध विक्रय केंद्र, मिल्क पावर, ऐसे स्थानों पर भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। इस दौरान इन संस्थानों को प्रतिदिन अपने स्टॉक और बिक्री की सूचना रजिस्टर में रखनी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के पेट्रोल एवं सीएनजी गैस स्टेशन रिटेल आउटलेट जहां पर पेट्रोल डीजल और सीएनजी गैस की बिक्री के लिए भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। इस दौरान प्रतिदिन अपने स्टॉक और बिक्री की सूचना रजिस्टर में रखनी होगी। शवदाह गृह, स्मशान गृह, क्रेमेटोरियम ऐसी जगहों पर भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आ रहे या विदेश को जा रहे लोगों को अगर उनके पास पुराने 500 और 1000 के नोट है तो ऐसे नोटों की 5000 रुपया तक की राशि को
नई एवं मान्य करेंसी नोटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा या 5,000 रुपये तक के पुराने नोटों को नई एवं मान्य करेंसी नोटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी। इन सारी सुविधाओं के अलावा मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस पूरी प्रक्रिया में नॉन कैश लेन देन में, यानी चेक से पेमेंट हो, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो, अथवा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये कारोबार पहले चलता था वैसा ही चालू रहेगा। इन सारे इंतजाम के बावजूद ईमानदार देशवासियों को अगर तकलीफ का सामना करना पड़ा तो अनुभव यह बताता है कि इस देश का सामान्य नागरिक देश की भलाई के लिए त्याग करने और कठिनाई सहने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहता है।